कोटी पुलिस ने नक्सलियों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए बीते लगभग डेढ़ महीने के भीतर 17 नक्सलियों को गिरफ्तार करते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। इसी क्रम में अगर गिरफ्तारी की बात करें तो बीते 21 जुलाई 2023 को मुरु थाना क्षेत्र से अनुज बोदरा और सुधीर बोदरा को गिरफ्तार किया गया था, जबकि एक को निरुद्ध किया गया था। वहीं 29 जुलाई 2023 को मुरु थाना क्षेत्र से बीरसिंहपुरती, दयालपुरती और जॉर्ज सांडीपुरती को गिरफ्तार किया गया था और उसे गिरफ्तार करते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। इसके अलावा 3 अगस्त 2023 को मुरु थाना क्षेत्र से निशान हुन्नीपुरती को गिरफ्तार किया गया था, जिसे मुरु थाना क्षेत्र के इंदीपीढ़ी से गिरफ्तार करते हुए पुलिस ने न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। इसके अलावा मुरु थाना क्षेत्र से ही 6 अगस्त 2023 को गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें कि बोयर सिंह, सामू मुंडा, गोपाल मुंडा और मिखाइल हपतगड़ा शामिल था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। वहीं अगली गिरफ्तारी की बात करें तो 11 अगस्त 2023 को अकबर खान और सुखराम मुंडा को पुलिस ने मुरु थाना क्षेत्र से ही गिरफ्तार किया था, जिसे गिरफ्तार करते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। इसके अलावा मुरु थाना क्षेत्र से ही 24 अगस्त 2023 को एक पीएलएफआई नक्सली की गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें कि लक्ष्मणपुरती नाम का व्यक्ति शामिल था, जिसे गिरफ्तार करते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। वहीं 9/9/2023 यानी आज पुलिस ने दसाईपुरती उर्फ गेड़े को मुरु थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है और इसे गिरफ्तार करते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। वहीं अगर एक अन्य नक्सली की बात करें तो ये पीएलएफआई का एरिया कमांडर था, जिसे कर्रा थाना क्षेत्र से पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। ये गिरफ्तारी 14 अगस्त 2023 को हुआ है। तो इस तरह से खूंटी पुलिस द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए बीते लगभग डेढ़ महीने के भीतर 17 नक्सलियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। इसके अलावा खूंटी जिले के खूंटी थाना क्षेत्र अंतर्गत लगातार 2 बार गोलीबारी हुई है, जिसमें कि 2 व्यक्ति घायल और 1 की मृत्यु हो गई है। जिसमें इस गोलीकांड को लेकर 2 व्यक्ति ने कोर्ट में सरेंडर किया, जबकि 2 को निरुद्ध किया गया है। इस मामले पर पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने बताया कि बाकी की गिरफ्तारी जल्द ही की जाएगी। इस मामले को लेकर पुलिस की कार्रवाई जारी है। खूंटी थाना क्षेत्र में पहली जो घटना हुई थी, जिसमें कि 2 लोग सरेंडर किए हैं और 2 लोग निरुद्ध किए गए हैं, क्योंकि नाबालिग थे जो कि घटना में शामिल थे। और दूसरी जो घटना हुई है उसमें भी आपको 1 से 2 दिन के अंदर न्यूज़ मिल जाएगा। उसमें लगातार हम लोग काम कर रहे हैं और लोगों की अरेस्टिंग जो है जल्द होगी। देखिए, हथियार पहले बार जिस व्यक्ति के पास हथियार था उसका कहना है कि एक दोस्त उसका पुराना था, जो कि आज के डेट में मर गया है, जीवित नहीं है, उसके पास वो पहले अपराधी था जो था, तो उसके पास एक हथियार था जो उसने इसको दिया था। पर अभी इसमें जब अरेस्टिंग होगी तो हम लोग पूछेंगे कि कहाँ से इसके पास हथियार आया। तो अभी आपने सुना कि पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने गोलीबारी घटनाओं पर जांच करते हुए गिरफ्तारी को लेकर क्या कुछ बताया। तो चलिए, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द झार न्यूज़।